अमृत पाल की फोटो पे कांटा और भिंडरांवाले की फोटो पे कांटा। पिछले दिनी हरियाणा के कई इलाके में सिख नौजवानों वालों छबील लगाई गई सी ते नाल ही संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ते अमृतपाल सिंह दियां तस्वीरां लगाईयां गईयां सन तां कुछ हिंदू नौजवानों वालों इन्हां तस्वीरां दा विरोध किया गया जिस तों बाद दोहां धिरां विच आपस विच टकराव हो गया। विक्की थॉमस सिंह ते हरियाणा के हिंदू नौजवान करण मोहरी की आपस में हुई गलबात दौरान करण मोहरी ने जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले ते अमृतपाल सिंह दियां तस्वीरां ते कांटा लगा के अपने वालों छबील लगाउण दी गल कह दित्ती ते उस तों बाद जो उन्हां विच होया वो तुहाडे सामने रख रहे हैं। वहां पे और मैंने एक बात कही है उनको कि मैं छबील लगाऊंगा नेक्स्ट वीक, मैं छबील लगाऊंगा जहां 10 गुरुओं की फोटो और वहां पे हमारे भगवान है जो उनकी फोटो लगा के अमृत पाल की फोटो पे कांटा और भिंडरा वाले की फोटो पे कांटा। अगर वो लोग ये करेंगे तो मैं ये काम क्यों ना करूं। ये एक बड़े बड़े एक इसमें एक मेरे को प्रॉब्लम है सिर्फ, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले के फोटो पे काटा नहीं, बाकी जो करना है। मैंने पहले बोला हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट मिनट मिनट, मेरा जवाब स्पष्टीकरण में दे रहा हूं मैं। जो दोगला पहला वार करता है वो सिंह नहीं, जो दोगला आपका फोटो डालता है FIR का कॉपी में डालता है, आपने मेरे को रात को बोला फोन करके आपका फोटो डालता है तो मैंने संत जी का फोटो डाला, उस दोगले का फोटो डाल, लेकिन संत जी के बारे में कुछ कभी नहीं बोलना और काटना नहीं। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले दमदमी टकसाल के 14वें मुखी है, आपने दीप सिंह जी के गद्दी पे इसी बात का जवाब इसी, मैंने उसी चीज का जवाब मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग उसको संत मानते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप नहीं रिस्पेक्ट करते हो कोई बात नहीं, लेकिन काटा नहीं मारना। धारणा है मेरे मेरे अंदर उस आदमी के लिए एक धारणा है कि मैं उस आदमी को ना संत मानता, ना मैं उस आदमी के बारे में बोलना चाहता, ना मैं अच्छा बोलना चाहता, ना मैं बुरा बोलना चाहता, बट ये न्यूज चैनल पे जाके उनके नाम से खालिस्तान और हिंदुस्तान को गलत बोलते हैं ना, इसलिए इनको जवाब देने के लिए वो जरूरी है, मैं ये चीज करना नहीं चाहता। जो लोग उसको संत मानते हैं उनकी फोटो को घर में ले जाके फूल चढ़ाएं। करण, मेरे 10 गुरु साहिबान के बारे में या मेरे अपने संत जरनैल सिंह, क्योंकि उनके गद्दी जो 14वें मुखी, मेरे को 14 पहले से लेके 14 तक सारे के सारे 15वीं का मुखी तक मेरे को नाम याद है, क्योंकि हमारे लिए ना, हमारे लिए बाबा दीप सिंह जी का दर्जा है, वो हम उसके लिए हमारा सर भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं ना भाई गुरु। और मैं आपने आप आपको एक चीज बोलूं, हेलो हेलो हेलो, करण 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 करण, टेंशन ना लेना, मैं वीर वो बंदा नहीं हूं जो पहला वार करेगा, मैं कभी ऐसा मेरा रूल नहीं तोड़ा, मैं जो मेरे महाराज ने रूल दिया ना, मैं वो नियम को कभी नहीं तोड़ा। मेरे महाराज ने पेंडे खान को भी मौका दिया, बस सही बात सही बात सही बात, पीछे से वार नहीं, तो के सामने छाती खड़ी होगी। तो अपना मॉरल ऑफ द स्टोरी अपन इस पे एंड कर देते, दी एंड, कि आज के बाद, आज का डेट के बाद करण मोरी कभी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले के बारे में गलत नहीं बोलेगा, ना पोस्ट करेगा, ना सही बोलेगा, ना गलत बोलेगा। और दूसरा, 10 गुरु साहिबान के बारे में वो जो नाम डाला हुआ वो वीडियो डिलीट करना अभी के अभी वीर, 10 गुरुओं के बारे में ना करण मोरी ने बोला, सुनो सुनो, तो वो वीडियो डिलीट करना अभी, जो वीडियो डाला ना आपने वो रील वाला, वो वीडियो डिलीट कर दो, जो ऊपर लिख, कोई चक्कर नहीं, मैं कर दूंगा उसको, डिलीट कर देना, कोई बात नहीं भाई गुरु। क्या हुआ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वाहेगुरु।